मेरे YouTube चैनल टेक्निकल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कद्दू की मीठी की सब्जी कैसे बनाएं। आप इस तरह से खटाई डालकर बहुत ही बढ़िया से खट्टी मीठी सब्जी बना सकते हैं। उसके लिए हम आधा किलो कद्दू धुलकर लिए हैं और इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और इसका हम फिर सब्जी बनाएंगे। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम किए और उसमें एक बड़ी इलायची का बीज डाले और उसके बाद तेज पत्ता डाले, फिर थोड़ा सा मेथी का दाना डालकर फिर हम इसे हल्का सा भूनेंगे। जब ये सारे हो जाएं तब उसके बाद एक चम्मच हम बारीक कटा हुआ लहसुन की कलियां लेंगे और उसे भी डालकर इसी तरह से भूनेंगे। जब ये सारे बढ़िया से हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे राई के दाने। इस तरह से आप आधा चम्मच राई के दाना डालें और उसके बाद फिर एक मीडियम साइज का प्याज लें और उसे छीलें और एकदम बारीक काटें। फिर कटे हुए प्याज को इसी तरह से धीमी आंच में भूनें। आप इसी तरह से एकदम धीमी आंच में ही लहसुन प्याज और सब एकदम भूनें और उसके बाद हम थोड़ा सा लेंगे हींग और उसे भी इसमें ऐड करके उसे भी भूनेंगे। उसके बाद ही हम इसमें जो कटा हुआ कद्दू है उसे ऐड करेंगे और फिर हम उसे भी धीमी आंच में भूनेंगे। आप भी इस तरह से धीमी आंच में भूनें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप जो कद्दू के छिलके हैं उसे भी छीलकर निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यह कद्दू की सब्जी पूरी पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी। जब कद्दू की सब्जी को बढ़िया से भून लें तब आप इसमें स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालें। नमक को हम पहले ही ऐड करेंगे। नमक डालने से सब्जी बहुत जल्दी पकती है इसलिए हम नमक डालेंगे और नमक डालने से सब्जी में पानी भी छोड़ने लगता है इसलिए हम थोड़ा जल्दी नमक डाले हैं। और इसी तरह हम जो दाल वाली खटाई होती है वो उपलब्ध है घर पर तो हम उसे डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। इस तरह से आप खटाई डाल करके इस सब्जी को बहुत ही चटपटी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के खटाई नहीं है और मसाले भी नहीं हैं तो आप इसमें अमचूर पाउडर या कच्चे आम के टुकड़े भी डाल सकते हैं और उसमें तब हम धनिया और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। हम इसलिए इस गरम मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम सारा मसाला हमारे खटाई में ऐड किया हुआ है। इस तरह से हल्का सा पानी डाल करके हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। एकदम धीमी आंच में पकेगा और उसके बाद हम इसे खोलकर फिर से चलाएंगे। इसी तरह से बीच बीच में हमें ढकते हुए इसे पकाना है, फिर उसके बाद खोलकर फिर से चलाना है जिससे कि हमारी सब्जी नीचे जले भी ना और बढ़िया से पक जाए। जब सब्जी काफ़ी हद तक पक जाए, थोड़ा सा ही पकने में बाकी रहे, तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करें और एकदम थोड़ा सा ही पानी डालें और दोनों डालकर खूब बढ़िया से चलाते हुए पकाएं। इस तरह से आप सारी सब्जी में डालें और अच्छे से पकाएं। अगर आपके पास खटाई का मसाला या खटाई नहीं है तो आप इस सब्जी में नमक, मिर्च और हल्दी, धनिया, गरम मसाला सब ऐड कर सकते हैं जिससे कि तभी यह सब्जी हमारी चटपटी बनेगी। और अमचूर पाउडर तो डालना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो हमारी सब्जी खट्टी नहीं होगी और उतना टेस्टी नहीं बनेगा। और इस खटाई में सारे मसाले ऐड हैं इसलिए हम और एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डाल रहे हैं। आप भी इस तरह से बढ़िया से इसे पकाएं और उसके बाद अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया डालें, नहीं तो हरा पुदीना भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।